नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं बुक न्यूज। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर ऐसा बयान सामने निकल के आया है जो अमेरिका को नाराज कर सकता है। अमेरिका की ऑफिशियल विजिट पर वॉशिंगटन पहुंचे पाकिस्तान के नए फाइनेंस मिनिस्टर इरशाद डार ने कहा, पाकिस्तान भी रूस से ईंधन यानी फ्यूल खरीदना चाहती है, लेकिन वो चाहते हैं कि रूस की व्लादिमीर पुतिन सरकार उन्हें उसी रेट पर ऑयल सप्लाई करे जिस कीमत भारत ने खरीदा है। फरवरी में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद भारत ने रूस से काफी कम दाम पर क्रूड ऑयल खरीदा है। अमेरिका ने इस पर काफी आपत्ति जताई थी। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अमेरिकी विरोध को खारिज करते हुए कहा था, यूरोप एक दिन में जितना ऑयल और गैस रूस से खरीदता है हम उतना एक महीने में भी नहीं खरीदते। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय बेहद मुश्किल में फंसा पड़ा है। जैसे इरशाद डार ने अक्टूबर की शुरुआत में ही वित्त मंत्री का पद संभाला है। इसके पहले मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे। इनके दौरे में पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहद खस्ताहाल हो गई है। आज पाकिस्तान के आसपास सिर्फ $8 अरब का फॉरेन रिजर्व है। बहुत जल्द सर्दियों शुरू होने वाली है और इस दौरान फ्यूल की खपत करीब करीब दोगुनी हो जाती है। वॉशिंगटन में मीडिया ने इसी के मद्देनजर डार से सवाल किया कि क्या पाकिस्तान भी रूस से सस्ता तेल खरीदना चाहता है। इसके जवाब में डार ने कहा, भारत ने जब रूस से ऑयल खरीदा तो पश्चिमी देशों ने कोई विरोध नहीं किया। पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। अगर रूस हमें भी उसी दम पर या उस दाम पर तेल दे देता है जिस कीमत पर उसने भारत को दिया तो बेहतर होगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पश्चिमी देशों को एतराज नहीं होगा। डार ने एक बार फिर मुल्क में आर्थिक बदहाली का राग अलापा। कहा, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में पिछले दिनों आई बाढ़ से किस कदर तबाही हुई है। दुनिया को भी ये देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान अभी ऐसी खस्ताहाल हालत है, उनकी फ्लड सिचुएशन हमने देखा किस तरीके से बढ़ते जा रही है, लेकिन जब बात आती है हमेशा कंपैरिजन की तो उन्होंने जब इंडिया को कंपेयर किया कि किस तरीके से इंडिया के दाम पर यदि रशिया उनको पेट्रोल फ्यूल दे देता है तो वो ले लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत स्टेटमेंट लोगों को, और इसके चलते पाकिस्तान ने बहुत सारे अगेंस्ट ट्वीट्स भी देखे यूजर्स के, सोशल मीडिया यूजर्स के। अब ये देखने वाली बात होती है कि रशिया का क्या जवाब आता है इस पुल से निकल कर के। क्या रशिया पाकिस्तान को फ्यूल देगी उसी दाम पे जिस दाम पे इंडिया को दिया था, तो ये देखने वाली बात होगी। ऐसी खबरों की रैम बनी रहेगा वो खबर न्यूज के साथ।